स्कूल में मैं 1952 में ज्वाइन किया था 1952 में जी, और यहाँ से निकला मैं 1963 में। और उस स्कूल का एक्सपीरियंस मुझे और मैं क्या बताऊँ, शब्दों में मेरे पास नहीं है ताकि मैं उसका एक्सप्रेस, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फील की जा सकती है, एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। इस स्कूल ने मुझे इतना कुछ दिया और आज भी इससे इतना लगाव है, जब मैं यहाँ आता हूँ इस हॉल में बैठा हूँ तो मुझे, अब तो खैर इस हॉल की सब कुछ चेंज है, इस हॉल में भी आने में डर लगता था, ऐसा लगता था कि रेक्टर या हेडमास्टर कहीं आसपास ना खड़े हों मारने के लिए, क्योंकि पहले मार ही सबसे ऑनरेबल चीज़ होती थी, अगर स्कूल में मार नहीं लगी तो स्कूल में पढ़ने नहीं गए आप, क्योंकि एक ना एक लड़का, हेडमास्टर का ऑफिस हमारा इधर होता था पास में, एक ना एक लड़का किताब लेके वहाँ खड़ा रहता था, उसको सजा होती थी कि इंटरवेल में तुम्हें किताब लेके खड़ा रहना है, और उसको आप बेइज्जत समझो या इज्जत समझो, मगर उसको हम समोसा खिलाते थे क्योंकि उसकी इज्जत होती थी हम लोगों की निगाह में कि इसने कुछ किया है और आज इसको ऑनर किया है। तो ये स्पिरिट होती थी सेंट पीटर्स के अंदर, और ईश्वर और फादर्स ने जो इनक्रेज किया है इस दफ़ा, मुझे तो अनुभव बहुत खुशी है, ऐसे ही फादर लोग आएँ जो कम से कम हम लोगों को बांध के रख सकें। और सेंट पीटर्स कॉलेज उर्फ एसोसिएशन के सेक्रेटरी के नाते मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने इस एसोसिएशन का गठन किया है और हमें अपने मैक्सिमम ओल्ड बॉयज़ हैं उनको अपने एसोसिएशन जोड़ करके अपने सेंट पीटर्स से वर्तमान छात्रों को पुराने छात्रों की उपलब्धियों के बारे में बताना है, और हर स्कूल की ख्याति और लोगों में फैले इसके लिए प्रयास करना है। मैं हमारे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जो जितने भी सदस्य हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को पुनर्जीवित किया है, जिससे कि हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स छोड़ के गए हैं 12वीं क्लास के बाद, उनको जोड़ना है, और अपने स्कूल में जितनी भी गतिविधियाँ होती है, कॉम्पिटिशन होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको अवगत कराना है। और इतना ही नहीं, हमारे समाज में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसके बारे में भी अवगत कराना, और स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके माध्यम से दूसरे स्कूलों को भी अवगत कराना, उनके बच्चों को भी अपने स्कूल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे कि वे भी समझ सके, जैसे कि हमारे कॉलेज रोल मॉडल है पूरे आगरा शहर के लिए, तो वो भी सीख सकते हैं हमारे स्कूल में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और अपने स्कूल में भी अमल कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स बाहर हैं, विदेश में हैं, अपने देश में भी हैं, उनको भी अवगत कराना है कि पूरे साल में हमारे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी बच्चे हमारे स्कूल से निकल चुके हैं वो हमसे जुड़ा रहे, और बच्चे भी चाहते हैं हम स्कूल से जुड़ा रहे, दोनों आपस में चाहते हैं, ताकि ये प्रयास कर सकते हैं कोई एसोसिएशन के द्वारा, तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वे लोग एक एसोसिएशन बनाया है, जो इसको मैं पूरा समर्थन करता हूँ, ताकि एसोसिएशन द्वारा जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से निकल चुके हैं हमसे जुड़ा रहे और हम उसके संपर्क में आ जाए।